तो ये है गैंग। हेलो। आज हम जाएंगे हांगो विलेज के वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ देखिए अब हम जाएंगे इस साइड खेतों के बीच से होते हुए। ये है सबसे अपर पार्ट हांगो विलेज का रीजन। अब यहां से होते हुए हम जाएंगे उस पहाड़ी के बैक साइड पे। ये रहा हांगो विलेज अपर पार्ट मोनेस्ट्री और ये लोअर पार्ट। और ये है हमारे गाइड मिस्टर सिरिंग दुर्जे। तो बताइए हम कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं रांदा की तरफ चंगचोक। कैसा लग रहा है फिर? और ये है दुर्जे नर्वो। और ये है पासंग डोलमा ट्रिप ऑर्गेनाइजर। और ये ओंगेल इमलामू सोनम डोलमा चांगचोक। और यहाँ से ये रहा दुर्जे नर्वो। अब हम जा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये देखिए ये है थारसिंग बोलते हैं हम इसे, जिसे कि हम झंडा लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये रहा हांगो विलेज। तो उस दिन आपने हमारा डांस वाला वीडियो देखा होगा बर्फ़ के ऊपर, वो था इस पहाड़ी के टॉप पर टुमटुम थांगा। और ये मिस्टर कमल। हेलो। और ये ट्रैकर। Yo, yo, bro. Dushom shom bi ma bola ta, dushom shom bi ma. Bolori na lang so bola ta, bolori na lang so. Dushom shom. मिस्टर ओंगेल, मिस्टर देबू और ये है सोनम पालन, सिरिंग दुर्जे पंचित साचो सिरिंग टीजी और ये दुर्जे नर्वो। हम जाएंगे इस पॉइंट से उस तरफ। हर डायरेक्शन में आपको ट्रैकिंग पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर हांगो में। Oh,
देखिए जुलाई मंथ में अब जाकर यहाँ पर थोड़ा ग्रीनरी है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखे हो तो उसमें आपको पूरा डेजर्ट नज़र आया होगा, लेकिन इस टाइम हम है हरे भरे पहाड़ों के बीच। तो देखिए यहाँ पहाड़ियों पे इस तरह के फूल, ये है पोलो मेंटोक, ये आपको नीचे गांव में भी मिल जाएगा। येल डुन से, तो यहाँ हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। बैठ जाओ, एनर्जी ड्रिंक, बैग उतारो आराम, हिल टॉप भांगो। अब हम इस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जिसका नाम है शिमसला हंगला टॉप। अब हम पहुंचने वाले हैं उस टॉप पर। ये रुक जाते एक जाते, ये पहुंच गए हैं हम हिल टॉप पे। तो देखिए लुंगता, हमने यहाँ लुंगता लगाया है। अब हम पहुंच चुके हैं उस टॉप पर, यह है शिमसला। तो हमारे ट्रैकर्स कुछ पीछे है, कुछ आगे निकल चुके हैं। तो इस पॉइंट के अगर आप बैक साइड में जाएंगे तो सुन्नम विलेज आएगा। तो देखिए जुलाई मंथ में हरियाली, ये देखिए जो सब्जी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था वही सब्जी इस टॉप पर भी है, तेजे। तो ये अब काफी बड़े हो चुके हैं तो इस टाइम अभी नहीं खाते। तो यहाँ देखिए आपको पूरे जंगलों में इस तरह के छोटे मोटे झाड़ियाँ, इस टाइप की झाड़ियाँ ही नजर आएगी यहाँ पर। और वो रहा वो पॉइंट जहाँ पे हमने लुंगता लगाया था, ग्लेशियर है। यहाँ देखिए जंगली फूल, हाइट थोड़ा ज्यादा होने से यहाँ पर जो घास है और जो झाड़ियां हैं उनके हाइट थोड़े छोटे होते हैं। तो ये देखिए इस टाइप के फूल है यहाँ पर पूरे। ये रहा वो पॉइंट शिमसला। तो देखिए बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर भी आपको इस तरह का प्लेन एरिया नजर आएगा। ये वो प्लेस है जहां पर फ्लैच जो फेस्टिवल होता है सितंबर के टाइम, उस टाइम झांगो विलेज के लोग अपने देवता के साथ इस प्लेस पर आते हैं और उस टॉप तक जाते हैं जहां से सुन्नम विलेज दिखता है। तो देखिए जितने मर्जी आप पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाओ, उस पॉइंट पर पहुंच कर भी आपको एक और टॉप नजर आएगा। जैसे हम यहाँ टॉप पर पहुंच गए तो यहाँ पर देखिए ऊपर और भी पहाड़ है चट्टानों के बीच में फूल, ये है वाइल्ड फ्लावर। अब हम जा रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, तो देखते हैं ये देखिए यहाँ पर पानी का सोर्स। वैसे तो यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं है इस साइड,
इस पहाड़ी के बैक साइड में है ये, इसके ये सब बर्फ का पानी। चलो ग्रीन झाड़ियाँ, मिट्टी और झाड़ियाँ। अब इस झाड़ी का नाम क्या है वो तो पता नहीं, बट जो वाइल्ड फ्लावर है वो देखिए, यहाँ से आपको जो भी ये येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये पूरा पूरा इस टाइप के ये फ्लावर है यहाँ पर। अब हम जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, फिर देखते हैं वहां से। स्नो, जुलाई मंथ में भी स्नो मिल जाएगा आपको। मिस्टर करम सिंह, मिस छांगचोक, पासंग डोलमा। फिर पासंग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो क्या बोलेंगे आप लोगों को हांगो के लिए? आप भी आइएगा कभी ट्रैकिंग की। बोलो साहब। मिस्टर कमल, शिव शंकर, जय शिव। मिस्टर सोनम पालदन, फिर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हांगो विलेज के यंगस्टर्स, अब हम पहुंच चुके हैं हिल टॉप हांगो। तो देखिए अब हम हांगला टॉप पर पहुंच चुके हैं, और यहां से नीचे देखिए, ये आपको नीचे सुन्नम विलेज नजर आ रहा होगा। आज हम नाइट स्टे करेंगे नीचे उसी पॉइंट पे। ये है वेस्ट डायरेक्शन, दोनों साइड जा सकते हैं अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए तो। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। झाड़ियों पर चलना इजी तो नहीं है, बट देखिए ये है नेचुरल रास्ते, बहुत ही पुराना रास्ता। तो देखिए यहां से होते हुए हम जाएंगे। चट्टानों के बीच में फूल, ये है हांगला।
विलेज। हम उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से, तो ये देखिए ये जो वाइट स्नो नज़र आ रहा है आपको, इसके लेफ्ट साइड से रूपा वैली स्टार्ट हो जाता है और राइट साइड में हंगरंग वैली स्टार्ट हो जाता है। जुलाई मंथ में हम इस स्टॉप पर आए हैं। वैसे हमारा प्लानिंग उस पॉइंट पर जाने का था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम। और ये रहा वो झंडा। आज है हमारा सेकंड डे, तो चलिए आज हम चलते हैं मेमे रांदा की तरफ। तो यहाँ देखिए जंगलों में फुल हरियाली। तो आज हम जाएंगे इस पॉइंट की तरफ इधर, और कल आए थे हम उस पॉइंट की तरफ से। यहाँ से होते हुए हम इस साइड से उस पहाड़ी के बैक साइड पर गए थे। अब हम जा रहे हैं इस तरफ से ऊपर, बहुत ही थके हुए। सेकंड डे हमारे ट्रिप का। तो देखिए ये है जंगली फ्लावर, वाओ। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ थोड़े इस तरह से होते हैं। जुलाई मंथ है तो थोड़ा ग्रीनरी, अदरवाइज बिल्कुल डेजर्ट। तो देखिए उस पॉइंट पे है हंगू विलेज, वाइल्ड फ्लावर। देखिए इस रास्ते से ना आए, क्योंकि ये जो है मेन रास्ता नहीं है। हम थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते से आ गए थे, अदरवाइज ये रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर खतरा भी बहुत है, तो जब भी आए जो मेन रास्ता है वहीं से आए। अब हम पहुंच चुके हैं मेमे रांदा। तो देखिए ये रहा मेमे रांदा, इस प्लेस का नाम है, इस पहाड़ी का नाम। मेमे मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हैं वैसे। तो
इस पॉइंट पर पानी की कोई कमी नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ रहा पानी, उधर देखिए। तो देखिए हम इस टॉप पर पहुंच चुके हैं, ये रहा वो प्लेस, यहाँ देखिए। तो यहाँ देखिए लोगों ने अपने नाम लिखे हुए सन के साथ, पन्मा छेरिंग, देव नेगी, और यहाँ है छोसूराम टाशी, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, प्रीत ये, और इधर से देखते हैं क्या क्या है। यहाँ कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो ये है मेमेर रांदा, और यहाँ पर देखिए इधर भी नाम लिखा हुआ है बहुत, सुनील सुनील चोसुराम तंजिंदर जे, और इधर टाशी शावा। तो मेमेरांदा ये जो पत्थर है, ये जो आप देख रहे हैं रंगमा, रंगमा मीन्स गुटली, तो ये जीप के चाटने का निशान है इस पत्थर पे। और कुछ नाम आपको इधर भी देख रहे होंगे, जैसे कि ये है अंगछुक ड्रम। बाकी लोग यहाँ पर अपने अपने नाम लिखने में बिजी है, हम तो इतना मेहनत नहीं करने वाले। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगली बार जब भी आप यहाँ आओगे तो अपने नाम लिख के जरूर जाइए जी, प्लीज। तो आप लोगों को क्या कहेंगे इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में देखो भाई जी, हमारे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, तो आप लोग यहाँ जरूर आए और यहाँ दर्शन करके जाए और अपना नाम लिख के जाए, ताकि आगे आने वालों को पता लगे कि आप भी यहाँ पहुँचे जी। ओके जी, दो न्यू कमर्स जो फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पे आए हैं, ये है दुर्जे नरवू। तो दुर्जे नरवू कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा सर। और ये है यंदन ग्यासो, यंगेस्ट ट्रैकर ऑफ द डे, और ये मिस्टर ओंगेल जिन्होंने सबसे भारी सामान उठाया था पूरे ट्रैक पे, और ये सोनम पालजोर सबसे एक्टिव पर्सन हमारे ग्रुप में, और ये रही निमलामो। तो अभी हम जाएंगे उस पॉइंट पर पानी लेने। वाटर सोर्स, ये रहा मेमेरांदा पॉइंट। अगर यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो इस एरिया में कर सके। जंगली फूल है या जड़ी बूटी है पता नहीं क्या है। तो देखिए अब हम यहाँ पर मैगी बना रहे हैं, तो मैगी खाने के बाद अब हमारा ट्रिप यहीं पर एंड होता है, तो हम यहाँ से अब वापस जाएंगे।